यस वी क्लास नेक्स्ट टॉपिक है टेलीस्कोप और इसमें हमारा सिलेबस में एक ही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी। कई बार बुक्स एग्जाम ये पूछता है डिफाइन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी। रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्ट टाइप क्या होगा जिसमें लेंस यूज किया जाएगा भी, रिफ्लेक्टिंग टाइप इसमें मिरर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन भी आएगा रिफ्लेक्टिंग टाइप का, उसको न्यूटन्स टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मोस्टली टेलीस्कोप दो लेंस के होते हैं, एक तीसरा भी होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तीन लेंस के लिए भी, उसमें इमेज तीन लेंस के थ्रू जाएगी भी फाइनल इमेज। अभी इतना डीप टॉपिक नहीं है अभी आपका, बता दिया आपसे बुक में दे भी रखा हुआ है टॉपिक आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेलीस्कोप क्या होता है, लिख लीजिए पहले। तो टेलीस्कोप क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to observe distinct image of distinct 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 image of distinct image of heavenly body। या सिंपल किए इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस और डाल के इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्जर्व इमेज ऑफ लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट दूर हैं उनको देखने के लिए यूज होता है टेलीस्कोप भी। कर लोगे माइक्रोस्कोप, वी यूज टू ऑब्जर्व लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और माइक्रोस्कोप भाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो टेलीस्कोप में पहला टेलीस्कोप जो बनता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से बदलता है, किसको देखने काम आता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी जो भी स्पेस में घूम रहे हैं, अर्थ भी इंक्लूडिंग है। कर लोगे उसको देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज होता है इट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का एक कंडीशन होता है भाई, मैंने माइक्रोस्कोप में डिस्कस नहीं किया था कंडीशंस को, मैंने बोला था कि टेलीस्कोप कराऊंगा तो बताऊंगा आपको ये पॉइंट्स। ठीक है, जब भी आप टेलीस्कोप सेट करते हो कोई भी डिवाइस ऑप्टिकल डिवाइस आप यूज़ करते हो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको एडजस्ट करना भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करोगे इसके ऊपर लेंसेज के ऊपर एक्शन करोगे तो आपको पहला दिन पूरा निकल जाएगा उसको एडजस्ट करने में सिर्फ लेंसेज को। ठीक है, तो टेलीस्कोप को एडजस्ट करने में क्या होता है, ऐसा नहीं है टेलीस्कोप सामने रखा और देख लिया अभी, ऐसा दिखता नहीं है उसमें। दो कंडीशन होती हैं टेलीस्कोप्स की, एक को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट भी, एक होती है जब आपको इमेज दिखाई देती है अभी। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, ना तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना आपको इमेज दिखाई देती है। लेंस को ऐसे टेलीस्कोप को ऐसे सेट कीजिए आपको कुछ ना दिखाई दे अभी, उसमें से कुछ भी ना दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट। फिर हल्की सी आगे पीछे करते हैं और आपको दिखता है टॉपिक्स। ठीक है, तो दो कंडीशन होंगी इसकी, पहले पॉइंट डाल लीजिएगा, फर्स्ट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट भी, नॉर्मल नॉर्मल एडजस्टमेंट दोनों कंडीशन यूज करेंगे, ये माइक्रोस्कोप की भी है। होती क्या बताएंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन में है भाई, तो ये दे रखा है वी है ये यू है पता नहीं क्या क्या पूछेंगे आपसे, आपको कर लोगे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, देखिए टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता अभी, इन्फिनिटी में बोल सकता हूँ, सन कहाँ पर, सन को देखना है, सन कहाँ पर इन्फिनिटी में, मून को देखना है, मून कहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर, आपको इन्फिनिटी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट देखने हैं तो पक्की बात नहीं है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए लेंसेज यूज करेंगे तो। यस सर नो, आपने दूरबीन देखी है बाइनोकुलर्स लेके आए बाजार से कभी, देखिए मेलो वाली बाइनोकुलर्स देखी हो, बाइनोकुलर्स का ये शेप होता अभी देखा है, यहाँ से देखते हो मतलब अभी आई लेंस का साइज छोटा होता अभी, ऑब्जेक्ट लेंस का साइज क्या होता है बड़ा होता है। कभी बाइनोकुलर्स को उल्टा करके देखा अभी, क्या फर्क पड़ता है, हैं
उल्टा करके देखो, बाइनरी क्रॉस का काम क्या आती है? दूर चीज़ें देखने के लिए। यस और नो? कब इसको उल्टा करके देखो, आपको दूर दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट्स। जब उसको यहाँ से देखोगे ना, इट बी लाइक टेलीस्कोप भी उसी के पार्ट है। जब यहाँ से देखोगे, इट बी लाइक माइक्रोस्कोप, इतना ही फर्क है बस। माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दो भाई, इट बी लाइक टेलीस्कोप। समझ में आई बात है? मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट लेंस होंगे वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। अभी आई लेंस वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी, वहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कर लोगे? माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दो, इट बिहेव लाइक ए टेलीस्कोप। इतना ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है। समझ में आया? तो देखो कैसे करेंगे। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा? इन्फिनिटी के ऊपर भी। अगर इमेज भी इन्फिनिटी पे बन जाए, भी फाइनल इमेज भी कहाँ बन जाए? इन्फिनिटी पे बन जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। लिख लीजिए इसमें, ब्रैकेट में डालिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कर पाओगे? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट भी। देखिए, देखो भैया, मैं लिखवा नहीं रहा आपको कि दो लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा। पता होना चाहिए आपको किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा। भी कर लोगे? तो मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ, टेलीस्कोप यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये है ऑब्जेक्ट लेंस भी, साइज में बड़ा होता भी, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, फोकस पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, फोकस पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, थोड़ा दूर कर लेते हैं। कर लोगे? इट इज F। रेज आ रही होंगे भी कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो पैरेलल आ सकती हैं, दे आर पैरेलल टू इच अदर, बट ये कंडीशन नहीं, दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई कंडीशन नहीं है इसकी। आ भी सकती हैं भाई, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीम्स क्या आ रही हैं? पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान रहा हूँ। ये सिंपल कंडीशन होती है भाई, उससे जो आप करते हैं पैरेलल, बिल्कुल सिंपल हो जाती है, उसमें पॉइंट बनता बस। कर लो, हम इमेज बनाएंगे यहाँ पे। ये पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिक सेंटर की खासियत क्या है? सिंपली निकल जाएगी, ये कन्वर्ज करेगा। आपको पता है इमेज कहाँ बननी है? अभी इमेज फॉर्म रेट फोकस। समझ में आया? ये पॉइंट कौन सा भाई? फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। हो गया एक लेंस कंप्लीट, ठीक है। अब टेलीस्कोप में भी ये ट्यूब होती है, आपने देखी होगी वो, कार्बियंस ऑफ पायरेट्स वाली मूवी देखी है, उसमें वो यूज़ करते हैं वो, उसमें इस चीज़ को हिलाते हैं, हमेशा आई वाले ऑब्जेक्ट को हिलाया जाता है। अभी कर लोगे? उसमें भी माइक्रोस्कोप में यही किया हम लोगों ने। अब इसको सेकंड को सेट करना है, सेकंड लेंस को सेट करना है, इस तरीके से सेट करना है कि ये इमेज उसकी फोकस पे बन जाए। ये किसका फोकस है? ऑब्जेक्ट लेंस का। अब आई लेंस को इस तरह से सेट कीजिए, इसका साइज छोटा होता अभी, ओके। आई लेंस को इस तरह से सेट कीजिए, ये इमेज इसके भी फोकस पे बने, यानी ये पॉइंट क्या है? इसका भी फोकस है और ये आई लेंस का भी फोकस है। इट इज आई लेंस, इट इज फोकस ऑफ आई लेंस, इस तरह से कर लोगे। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये कहाँ रखा गया है? फोकस पे रखा गया। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे भी। यहाँ से रेज गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी? फोकस से भी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो क्या निकलेगी? पैरेलल बीम जाएंगे। हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर करो, वहाँ पर कोई इमेज कहाँ बननी है? इन्फिनिटी पे। समझ में आया है कि नहीं आया? इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट भी। इस कंडीशन में ना तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ना आपको इमेज दिखाई देती है भी। ये क्यों लेके आते हैं कंडीशन हम लोग, कि जब आप सेटिंग करते हैं ना इस डिवाइस की, इसको बस हल्का सा आगे करना है ट्यूब को, आपको इमेज दिखने लग जाएगी। आपको डिवाइस देना भाई, इसको देखो, आप देख नहीं पाओगे डिवाइस से भी। क्यों? पता नहीं कैसे सेट करोगे डिवाइस को आप लोग। पहला क्या करते हैं, उसको ऐसे सेट करते हैं कि दिखाई भी ना दे भी। अब कमाल की बात, दो ट्रांसपेरेंट चीज़ों से ऑब्जेक्ट लाइट पास कर रही है और कुछ नहीं दिख रहा आपको, एक ही कंडीशन हो सकता है भाई।
जब इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने, कर लोगे और ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रखा हम लोगों ने पहले से ही इन्फिनिटी पे रखा हुआ, कर पाओगे डायग्राम भी। लिखिए अभी हो गया ना अभी क्लास। देखो इसमें भी हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन ही निकालना है अभी, और वो फॉर्मूला वही बनता है उसका, एंगल मेड बाई इमेज टू एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट्स भी। गलत हो गया अभी सभी का, तो इसमें हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना हो आपको भी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो आप क्या बनाते हो, एंगल मेड बाय इमेज टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट्स भी। अब प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी है और इमेज भी इन्फिनिटी है भाई, बनाओ एंगल, पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो? तो कैसे करते हैं हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करने का तरीका भाई, और कुछ नहीं है इसमें कोई रूल जो हमने पढ़े थे पॉइंट पे, क्योंकि हम बनाते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज तो दाई आई तो है ही नहीं भाई, दिखाई दे रहा कुछ, बनाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो उसका तरीका ये है, जो भी रेज आ रही है उन्हीं के एंगल यूज कर लो भाई। कौन कौन सी रेज आ रही हैं? ये रेज आ रही हैं, ये कितने एंगल बना रहे हैं यहाँ से भी, अल्फा मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो यही है। ये सर नो, तो ये भी कितना होगा, उल्टा इसका अल्फा होगा, और कोई तरीका नहीं करने का भाई, इसके अलावा ऑप्शन ही बनता हमारे पास। ठीक है, इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे, ये बीटा मान लो भाई, तो यहाँ पे बने चाहे वहाँ पे बने, बीन तो वही है, कर पाओगे? यस सर। ना ये बीटा मान लिया, ये क्या मानना पड़ा, अल्फा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई इसके लिए, तो किसको लेके आए बराबर में, कैसे बनाए ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी पे, तरीका बचता ही नहीं कोई करने के लिए। पहले कैसे में क्या किया, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो बना लिया इसके साथ मैंने, किसको लेके आऊँ, तो नहीं इन्फिनिटी पे है और कोई तरीका बचता नहीं इसके लिए। यस सर ना, कर पाओगे? तो लिख लीजिएगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज द रेशो ऑफ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज द रेशो ऑफ एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ लाइज एट इन्फिनिटी, when object and image both lies at infinity, दोनों किस पे हों, infinity पे हों, कर लोगे? तो सिंपल तरीका तो वही है भाई, इसको कैसे लिखते हैं, m से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे हम, याद है, tangent beta by tangent alpha, टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब किस ट्रायंगल से अल्फा निकाले, किस से बीटा निकाले भी, हम सिंपल यूज कर लेते हैं, इन द ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश सी वन, और कोई दिखता नहीं मेरे को इसके अलावा अभी, ए डैश बी डैश सी वन, यस और नो? तो कितना आएगा, टेंजेंट अल्फा बराबर है ए डैश बी डैश बाई सी वन बी डैश, सही लिखा है कि नहीं लिखा? और बीटा निकालने की कौन सी यूज कर, ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश सी टू, इन द ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश सी टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा, ए डैश बी डैश बाई सी टू बी डैश, अपने आप ही बराबर हो गए एक साइड, तो कटने में इजी रहेगा। यस सर नो, ए डैश बी डैश दोनों में कॉमन ही है, तो एम का वैल्यू कितना भाई, एम इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा ए डैश बी डैश बाई सी टू बी डैश इंटू सी वन बी डैश बाई ए डैश बी डैश, सही लिखा है, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल कर दें, टॉपिक ही हो गया तुम्हारा, बता इस बात का, एम इज इक्वल टू कितना आएगा, सी वन बी डैश बाई सी टू बी डैश, सही है? अरे बता दो, सब करते हैं भाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा भाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वन बी डैश भी, सी वन बी डैश क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस ऑफ इमेज कौन सी, इसकी, और सी टू बी डैश
ऑब्जेक्ट है इसका, दोनों के फोकस नहीं है, फोकस भी है, यस और नो? इसका फोकस, फोकस ऑब्जेक्ट लेंस प्लस की माइनस भी, यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी टू बी डैश? फोकस ऑफ आई लेंस माइनस भी, क्योंकि हमको इसको यूज नहीं कर रहा अभी, देखो किसको यूज कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ, मैं बोला कि जो यूज करना उसके अकॉर्डिंग आंसर्स भी, इसका भी आंसर फोकस प्लस क्या होता है भाई, इसका भी फोकस प्लस का ही होता है, याद है कि नहीं है? तो हमने यूज कौन सा किया, इसको इसको यूज किया ना, यहाँ से माप रहा हूँ इस तरफ, तो माइनस का भाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एफ जीरो बाई एफ ई माइनस का लिख दो, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट डालिए, अभी पहला पार्ट पूरा हुई तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट डालिएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या इस बात का कि आपको इमेज दिखनी चाहिए अभी, यस और नो? ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा वैसे भी इन्फिनिटी पे, तो इमेज तो कम से कम देख पाओगे, इमेज कहाँ बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन, क्या सेट करूँ इसमें भी ऐसा कि इमेज दिखाई दे आपको भी? इसको थोड़ा सा इस तरह लिया हूँ कि ये इमेज इसकी फोकस और इसके बीच में आ जाए अभी, तो रियल इमेज दिखाई देगी आपको, यस और नो? अरे बता दो, रियल दिखाई देगी वर्चुअल दिखाई देगी? हाँ भर लेते हैं कुछ भी, वर्चुअल दिखाई देगी, किसकी कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ? सी और एफ के बीच की कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, वर्चुअल इमेज दिखाई देगी आपको, कर लोगे? इसको थोड़ा सा आगे सेट करना है फाइनल इमेज देखने के लिए, बस आपको ऐसा कंडीशन में ले किया टेलीस्कोप के कुछ नहीं दिखाई दिया, बस क्या करना है इसको थोड़ा सा आगे सेट कर दिए, बस इमेज दिख जाएगी आपको उसी टाइम, कर लोगे? अब साइज छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी होगी, सन को देखना है, इतना बड़ा सन दिखाई देगा मेरे को बस, अरे छोटी होगी भाई, सही है कि नहीं है? छोटी होगी बस, इतना ही है, कर पाओगे? अरे पकड़ दें, थोड़ी सी ऐसे लगा, ओके दूर जाएगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ए डैश बी डैश, कौन सा लेंस है भाई? ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में पता है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस भी, इसकी तो कंडीशन वही होगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? इन्फिनिटी पे रखा गया, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी अभी, आपने सेकेंड लेंस को सेट करना अभी, जिसे सेकेंड लेंस, और इस तरीके से सेट करना है कि ये जो इमेज है ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, इट इज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में, सही है कि नहीं? यहाँ पे क्या है इसका फोकस भी, इट इज़ एफ ई, तो यहाँ से बीम जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा रूल्स के अकॉर्डिंग? इट पास थ्रू द फोकस भी, यस और नो? सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से इनको पीछे करिए, आगे तो मिलना नहीं है, यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज ए डैश डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? दिक्कत वही भी वही एंगल की वही रहेगी, इसके साथ भी एंगल ही बना सकते हैं, तो एंगल कौन सा माना था हम लोगों ने? अल्फा, ये वाला अल्फा, इसका अपोजिट एंगल है, अभी ये इमेज बना रही है अभी बीटा, ओके, आपको अननोन चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, कहाँ पे रखी थी? इन्फिनिटीज के ऊपर, उसकी इमेज दिख रही है आपको, उल्टी इमेज, कर पाओगे?
डायग्राम में, अरे आप में भी आता है ये, है ना, इसको यूटिलाइज कीजिए भाई, बहुत पोटेंशियल है इस में भी। एम निकालो भाई, बातें नहीं, तुम लोग मजे लेने बातों के। पच्चीस साल की, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। सी वन बी डैश की वैल्यू कितना है अभी? सी वन बी डैश प्लस वी इट इज फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस वी, यस सर नो, ये फोकस पे बनना है, सॉरी ये वाला फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। व्हाट इज सी टू बी डैश? सी टू बी डैश क्या है? ये ले सकता हूं माइनस यू ई डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस भी। सी वन बी डैश, ये जो इमेज बनेगी इसके फोकस पे बनेगी भी, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस है भी, कर लोगे। और ये जो ए डैश बी डैश है ये इसका ऑब्जेक्ट है भी, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? यू लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और तो कोई तरीका है नहीं, यू ही लिख देंगे उसको। तो क्या बना आंसर मेरा एम का भी? एफ जीरो एफ ओ माइनस यू ई, दिस इज द फर्स्ट से सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड है मना ही कोई क्वेश्चन हम लोगों ने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन भी, कर लोगे। अब लिखिए फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए यूज करते हैं अभी। मिरर फार्मूला क्या होता है आई लेंस के लिए अभी? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, सही है? आई लेंस के लिए फार्मूला लगाओ। तो मेरे को निकालना है अभी माइनस, एक बार चेक करते हैं बुक में माइनस वर्ड यूज किया नहीं गया उन्होंने, बाद में प्लस करेंगे, पहले कर लेते हैं। नहीं कर रहा भाई, हम भी नहीं करते। वन देखिए अभी ये क्या होगा आई लेंस के लिए, वन बाई एफ ई इज इक्वल टू वन बाई वी ई माइनस वन बाई यू ई, सही लिखा है मैंने? यस सर ना, तो ठीक फॉर्म लगा रखा मैंने, वन बाई वी ई, वी ई है ना, इज इक्वल टू वन बाई वी ई माइनस वन बाई एफ ई है ये, हो गया। सही लिखा है? अरे यहां से वन बाई यू ही निकालो, यहां पुट करना मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी माप लो भाई, ये डी लेते थे हम लोग, डी डिस्टेंस फाइनल इमेज का भी, क्योंकि दिख रही है मेरे को अभी, रब कर दे डायग्राम को। उसमें अपलोड करो फर्स्ट इक्वेशन में भी, इसको ऐसे सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को माइनस एफ, ये सिंबल एफ होना चाहिए अभी, एफ ओ माइनस का एफ ओ इंटू वन बाई यू ले सकता हूँ इसको, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, तो वन बाई यू ई का वैल्यू कितना अभी? वन बाई वी ई माइनस वन बाई एफ ई, मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, मैं कुछ गलत लग रहा है मेरे को उसमें, सही लिखा है? यस और ना? पता नहीं चल रहा मेरे को भाई, अरे बता दो, माइनस को अंदर ले जाऊँ, खत्म ही करो माइनस को, अच्छे लग रहे माइनस मेरे को। तो यहाँ पे एफ ओ इज इक्वल टू वन बाई एफ ई माइनस वन बाई यू वी ई, ओके। क्या यहाँ से एफ ई को कॉमन निकाल सकता हूँ? एम इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई वन माइनस एफ ई बाई वी ई, क्या मैंने सही लिखा है? कितने समझ में नहीं आई बात, कॉमन निकालने वाली आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई वी ई, रब कर दे इसको,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ई, इसको माइनस डी ले सकता हूँ, इस तरह बन रहा है, कर लोगे माइनस डी, तो एम का वैल्यू कितना हुई, एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी, रिफ्लेक्टिंग टाइप, अभी जो हमने किया ना ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है भी क्लास, इसमें रिफ्रैक्शंस हो रही है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो अब देखिए इसने टेलीस्कोप बनाया अभी बिना लेंस के यूज करते हुए, ये भी कमाल था अभी, बातें नहीं है अभी, देखो टेलीस्कोप में था क्या, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, थ्योरी का चार लाइन लिखवानी मेरे को इसमें अभी, ओके इसमें क्या होता देखो अभी क्लास, बातें नहीं, इसने इन्होंने किसने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर यूज किया अभी, क्या यूज किया, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कौन क्या होगा, बीम्स आ रही हैं अभी इन्फिनिटी से, बीम आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आएंगे या नहीं आएंगे, किसने बोला, कुछ भी यहाँ बढ़ते रहते हैं, आ भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये पक्की बात है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे पॉइंट कहाँ पे जाएंगे, फोकस पे जाएंगे अभी, ऐसे दे मीट एट द फोकस पॉइंट पे, यस आर नो, अब इससे शांति नहीं हुई भी, ये तो हो रहा था पहले भी हो रहा था, ये तो अब इसने क्या किया, फोकस से पहले एक कॉनकेव मिरर रख दिया अभी, कॉनवेक्स मिरर भी, फोकस नहीं होने दिया इसने बीम्स को, क्या रख दिया है कि कॉनवेक्स मिरर, इस तरह से रखा कि दोनों का फोकस पॉइंट सेम था अभी, इसका फोकस ये भी, इसका भी फोकस है, ये इसका भी फोकस है अभी, साइज छोटा था उसका, यस आर नो, अब इस मिरर के लिए क्या दिख रहा है, इसको बीम्स कहाँ से आ रही है, दे आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस पॉइंट, अब तो पास कर नहीं रही, दे आर अपीयर टू पास थ्रू फोकस, यस आर नो, रूल्स क्या बोलता है, व्हेन बीम्स आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अभी मुड़ जाएंगी, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस आर नो, इतनी नौटंकी किसने इसमें, अब प्रॉब्लम है यहाँ से कैसे देखेगा, इसने इसमें होल कर दिया अभी, ठीक है, और बीम्स को उसने ऑब्जर्व किया अभी यहाँ पे थ्रू द आई लेंस, भी लेंस भी यूज कर रहा है थ्रू द आई लेंस, यहाँ से ऑब्जर्व किया अभी, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, इस आई के लिए कहाँ से आ रही बीम्स, यहाँ से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है इसका भी, इट इज आई डैस, और ये बताओ क्या हुआ, ये सबसे बेस्ट यही था अभी, जल्दी से लिखो, लिखिए बातें नहीं, इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वी हैव, इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वी हैव ए कॉनकेव मिरर, We have a concave mirror about 200 inch aperture, about 200 inch aperture, छोटा मिरर नहीं है भाई, 200 इंच का मिरर यूज किया हुआ है, साइज में भी सोरेडिस कितना हुआ देख लीजिएगा, 200 इंच aperture, having a narrow hole in its middle way, having a narrow hole in its middle, okay, आगे लिखिए, we place a convex mirror of small aperture, we place a convex mirror of small aperture
बिफोर द फोकस ऑफ, बिफोर द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, बिफोर द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर so that focus of both mirror are coincide with each other, coincide with each other. कर लोगे? आगे लिखिए, when light reflect from the mirrors, ये बताऊंगा नहीं कैसे हो रहा है, जो तो इंटाग्राम बना रखा है लोगों ने ये चीज. When light reflect from the both mirrors, it is a parallel beam and pass through the narrow hole and observed by the eye lens. बस इतना ही है. ओके, एक थोड़ा सा पॉइंट डाल लीजिए, एडवांटेजेस भी. ये बेस्ट क्यों है? अभी इतना ही है, ज़्यादा कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है इसके अंदर भी, है नहीं हमारे लेवल में नहीं. एक्चुअल में है तो डेरिवेशन तो कर लोगे. क्या लिखवाएंगे? एडवांटेजेस. ये बेस्ट क्यों है भाई? ये बेस्ट क्यों क्लास? आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एबरसेंस पढ़ा होगा, मोनोक्रोमेटिक एबरसेंस. इस तरह के जब लाइट को पास करवाते हैं कि सोलर से कुछ फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्ब कर ली जाती है उसकी भी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा. ये काम लेंस में भी होता है भाई. लेंस मीडियम है, जो लाइट वहाँ से पास करेगी कुछ फ्रीक्वेंसी का पार्ट वहीं पर रह जाता है उसका भी, इंटेंसिटी पार्ट वहीं पर रह जाता है, तो उससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती. यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी, सिर्फ रिफ्लेक्शंस हो रही है. कर लोगे? पहला पॉइंट भी, देर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन भी. क्रोमेटिक लिख दोगे? इसका मीनिंग भी बताऊंगा आगे चल के. क्रोमेटिक एबरेशन, ABERATION. CHROMATIC. सेकेंड पॉइंट डालिए, इमेज इज ब्राइटर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. नेक्स्ट लिखिए, एक और पॉइंट लिख देते हैं जल्दी से, तीन पॉइंट बना लेते हैं, फिर पांच पॉइंट दे रखे हैं बुक में. एक और लिखो, हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. मिरर में